नागार्जुन की बेटा अखिल यानी कि हालो यानी कि तकदीर मूवी हिंदी में टीवी और यूट्यूब पर धमाका मचाने के बाद आ रही है उनकी और एक धमाकेदार सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है मिस्टर मजनू। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना, अगर आप इतने अच्छा खासा धमाकेदार सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को हिंदी डबड में टीवी और यूट्यूब पर देखने का मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहती हो और आप जानने चाहती हो इसी फिल्म को कब और कहां रिलीज किया जाएगा, इसी फिल्म का हिंदी डबड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कब और कहां होगी, इसी मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा या नहीं, इसी सारी की सारी सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रही हूँ। इसीलिए दोस्तों इसी वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई हो और आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अखिल यानी कि मिस्टर मजनू मूवी 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा तेलुगु लैंग्वेज फिल्म जिसको की डायरेक्ट किया है वेंकी अतलूरी ने। और दोस्तों इसी फिल्म के अंदर अखिल यानी निधि अग्रवाल और राव रमेश आदि स्टार कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों इसी फिल्म की लाइक और की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDB के तरफ से 6.1 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 90% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी मूवी को हिंदी में डब कर रही है आदित्य मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने। और दोस्तों यही पे इसी फिल्म की हिंदी डबेड रिलीज डेट की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदित्य मूवीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने अभी अभी ऑफिशियली अनाउंस करके कहा कि इसी फिल्म का हिंदी डबिंग और मिक्सिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इसी फिल्म हिंदी डबेड में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज होने के लिए इसी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इसी फिल्म को अगले महीने में पहली बार सोनी मैक्स टीवी चैनल पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कर देंगे। उसके बाद इसी फिल्म को आदित्य मूवीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज किया जाएगा, आप उसे जाके भी आसानी से देख पाएंगे।